वहीं लखनऊ में भीषण गर्मी के चलते ट्रैफिक पुलिस ने राहत मिली है। गर्मी के वाहन चालकों को राहत मिली है। 22 चौराहों पर सिग्नल पर रुकना नहीं पड़ेगा। ट्रैफिक सिग्नल दिन में 3 घंटे येलो रहने वाले हैं। दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक ये येलो सिग्नल रहने वाले हैं। 4 बजे के बाद रूटीन तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुचारू की जाएगी। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक सिग्नल्स को खोल दिया गया है। यहाँ पर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जो ट्रैफिक सिग्नल्स रहेंगे वो येलो रहेंगे। और भीषण गर्मी के चलते हुए ये फैसला लिया गया है। गर्मी में वाहन चालकों को भी राहत मिलेगी। 22 चौराहों पर सिग्नल पर रुकना नहीं पड़ेगा। सिग्नल ग्रीन कर दिए गए हैं। ट्रैफिक सिग्नल दिन में 3 घंटे येलो रहने वाले। तो आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक यहां पर ट्रैफिक सिग्नल्स जो है वो येलो रहने वाले हैं। भीषण गर्मी के चलते ट्रैफिक पुलिस ने यह राहत दी है। गर्मी में वाहन चालकों को यह राहत मिली। तो लगातार भीषण गर्मी के चलते ट्रैफिक पुलिस ने ये राहत दी है। लखनऊ में भीषण गर्मी के चलते ट्रैफिक पुलिस ने 1 से 4 बजे तक 22 ऐसे चौराहे हैं जहां पर जो ट्रैफिक सिग्नल रहेगा वो येलो रहने वाला है। लखनऊ में भीषण गर्मी के चलते ट्रैफिक पुलिस ने ये राहत दी। गर्मी में वाहन चालकों को ये राहत मिलने वाली है। लगातार तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 45 डिग्री के ऊपर तापमान पहुंच गया है। 1995 के बाद ये सबसे गर्म जो है इस साल रहा है। और इसी को लेकर के तमाम राहतें जो है वो ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी दी गई है। लगातार वाहनों को देखा जाए तो एक भारी भीड़ चौराहों पर देखने को मिलती है और धूप का समय है, भीषण गर्मी वहां पर पड़ती है। और इसी को राहत देने के लिए 22 चौराहों के जो ट्रैफिक सिग्नल्स थे उनको येलो कर दिया गया है ताकि तमाम वाहन जो वहां से गुजरते हैं वो फ्रीली वहां से गुजर सकें और गर्मी का प्रकोप उन्हें ना झेलना पड़े। ट्रैफिक सिग्नल दिन में 3 घंटे येलो अलर्ट पर रहने वाले हैं। दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक का सिग्नल जो है वो येलो रहने वाले हैं ताकि जो भी राहगीर वहां से गुजर रहा है वो आराम से उस ट्रैफिक सिग्नल पे उसे रुकना ना पड़े। इस भीषण गर्मी में जल्द से जल्द वे अपने घर पहुंच सके, अपने ऑफिस पहुंच सके। गर्मी में वाहन चालकों को ये बड़ी राहत दी गई। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी रवि कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, जो फैसला ट्रैफिक सिग्नल को लेकर के लिया गया है ये कितना जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है और इससे कितना फायदा होने वाला है? निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी और धूप हो रही है उसकी वजह से लोगों को सड़कों पे चलने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में ही ट्रैफिक पुलिस की तरफ से थोड़ी सी लोगों को राहत दी गई है। तकरीबन 3 घंटे तक ये जो पूरा जो सिग्नल है वो करीब 22 चौराहे ऐसे है जहां पर येलो सिग्नल रहेगा। और करीब 1 बजे से 4 बजे के दरमियान जब बेहद ही कड़ी धूप होती है तो ऐसे में ये सिग्नल है वो येलो हो जाएगा और 4 बजे के बाद रूटीन तरीके से ये जो ट्रैफिक का सिग्नल है वो चलता रहेगा। हालांकि भीषण गर्मी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस तरफ से पूरी राहत दी गई है। 3 घंटे करीब जो पूरा सिग्नल येलो रहेगा ऐसे में लोगों को रुकना नहीं पड़ेगा चौराहों पर। 22 चौराहे से जहां पर सिग्नल के दौरान वहां पर रुकना नहीं पड़ेगा लोगों को और 1 से 4 बजे तक ये पूरा सिग्नल है वो येलो रहेगा। यानी कि 3 घंटे के दरमियान ये पूरा जो ट्रैफिक है वो आवागमन 22 चौराहों पर आता आवागमन है वो आसान रहेगा और ट्रैफिक चौराहों पर लोगों को गर्मी में रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि सारी व्यवस्थाएं रहेंगी चौराहे पर, ट्रैफिक पुलिस भी रहेगी कि किसी प्रकार के लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन कड़ी धूप और इस पूरी गर्मी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये पूरी पहल की गई है। रवि, ये पहल तो अच्छी है, 22 चौराहों के सिग्नल्स खोल दिए गए हैं, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगा? अगर एक भारी ट्रैफिक आता है तो कहीं ना कहीं जाम की भी समस्या बन सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर इसके लिए पूरी जो ट्रैफिक पुलिस है वो वहां पर मौजूद रहेगी और किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े लोगों को इसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जाएगा। और हालांकि जिस तरीके से कड़ी धूप हो रही है और जो कुछ समय तक जो ट्रैफिक रुकता है, रेड सिग्नल होता है, उस दौरान रुकना पड़ता है लोगों को, तो ऐसे में लोगों को रुकना तो नहीं पड़ेगा लेकिन उसकी समुचित व्यवस्था की गई ताकि जो ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता रहे और किसी प्रकार की जाम की स्थिति ना बनने पाए, लोगों को इससे परेशानी का सामना करना, इसका पूरी तौर पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि आज से इसकी शुरुआत हो रही है और करीब 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच ये पूरा जो ट्रैफिक सिग्नल है वो येलो रहेगा। करीब 22 चौराहे ऐसे जहां पर ज्यादा ट्रैफिक रहता है तो ऐसे में इन चौराहों को लेकर पूरी व्यवस्था है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी रवि, इसी के साथ साथ तमाम राज्यों की अगर बात करें तो वहां पर एक ग्रीन कलर की मैट लगाई जा रही है, इसी के साथ साथ स्प्रिंकलर्स लगाए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक सिग्नल्स पर जो भी लोग आते हैं वो गर्मी का उन्हें प्रकोप ना झेलना पड़े। ऐसी कुछ व्यवस्था लखनऊ में देखने को मिल रही है?
लेकिन फिलहाल अभी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई है और करीब 3 घंटे के करीब ये पूरा सिग्नल है येलो रहेगा जी और करीब 1 बजे उसकी शुरुआत होगी, क्योंकि कड़ी धूप और जिस तरीके से लखनऊ का भी तापमान है करीब 45 डिग्री करीब पहुंच चुका है और आज भी तापमान करीब 44 डिग्री के आसपास रहने की संभावना बनाई गई है बताई गई है। और जिस तरह से लगातार अब कड़ी धूप हो रही है और जो जो लोगों का आवागमन होता है चौराहों को पार करते समय ट्रैफिक सिग्नल रेड सिग्नल होता है उस दौरान लोगों को रुकना पड़ता था, तो ऐसे में उनको गर्मी से बेहद ही परेशानी का सामना करना पड़ता था। ऐसे में जी ट्रैफिक पुलिस ने अभी पहल शुरू की है, फिलहाल देखना होगा किस तरीके से ये पूरी पहल वो आगे चलाई जाती है, किस तरीके से लोगों को उससे राहत होती है और ट्रैफिक का जो संचालन है पूरा सुचारू रूप से होता रहे इसका जी पूरी तौर पर किस तरह ध्यान रखना है इसको फिलहाल अभी देखना होगा। जी जी रवि।